नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो अद्वार्षिक परीक्षा है सत्र 2023-24 की, उसके बारे में हम यहाँ पर जो गणित का पेपर है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है गणित का जो मॉडल पेपर रहेगा, यानी कि आपका पेपर किस तरह का रहेगा और किस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है पिछले साल का पेपर है, क्लियर। और आप सभी को पता है कि जो है राजस्थान में हर ज़िले में जो है अलग अलग पेपर होता है। पेपर तो अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन तो वही रहते हैं, ठीक है। सिलेबस तो सबका सेम ही है, यानी कि किताब तो सबकी सेम ही है। तो ये देखिए, ये 12 ज़िले का पेपर है। तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो 12 ज़िले में जो है इस साल बहुत कम रिपीट होंगे, यानी कि एक आधी क्वेश्चन आएगा इसमें से। बाकी जो अदर ज़िले हैं 12 ज़िले के अलावा, राजस्थान के जितने भी सभी ज़िले बचे हुए हैं उन सबके के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये जो पेपर है इसके जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि 12 ज़िले के अलावा जो स्टूडेंट है वो इस मॉडल पेपर को देखने के साथ इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी जरूर करेंगे। वैसे तो ये जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गणित के उन सभी में उनमें जो ये इनको कवर करवा दिया गया था, लेकिन अगर कोई जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन रह गया हो उसको आप ज़रूर कवर करें। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पूर्णांक की आपका 70 नंबर का पेपर होता है, समय की आपके 3.25 घंटे का समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम भाग ए की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन लिए गए थे, हम यहाँ पर इनके सोल्यूशन नहीं करवाएंगे। और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपके पिछले साल जो है सिलेबस पूरा था, इस साल 70% सिलेबस किया गया है, कौन से क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि यदि द्विघात समीकरण जो है के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो है आपकी एक्सरसाइज 4 है द्विघात समीकरण, उसमें मिल जाएगा, उसमें आप सॉल्यूशन इसका आसानी से देख सकते हो। दूसरा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8460 है और जो लघुतम समापवर्तक है वो 360 हो तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हो उसको। इसके बाद है मान ज्ञात कीजिए, 9 sec² है माइनस 10 square है, तो ये भी जो है आपकी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है देखें। इसके बाद ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का है लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिए, एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा, ये आपकी जो वृत्त वाली प्रश्नावली है, शायद 10 प्रश्नावली है जो उसमें है, यानी कि जो पुरानी किताब की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर देखिए, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। अगला है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, आपकी जो प्रश्नावली 15 है प्रायिकता, ये मैं पुरानी जो किताब है ना, क्योंकि इस साल प्रिंट हो गए तो जैसे सरकारी स्कूलों में तो आई नहीं, प्राइवेट का मुझे पता नहीं आई है या नहीं आई है, तो उसकी बात कर रहे हैं, इनकी प्रायिकता की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, ये आपकी प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इसको आप करें। और एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक है, ये शून्यक दे रखे हैं, तो ये आपकी प्रश्नावली 2 यानी कि बहुपद का क्वेश्चन है। इसके बाद है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है और सार्वंतर -3 हो तो नवा पद ज्ञात कीजिए, ये जो है आपकी प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। इसके बाद इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समांतर श्रेणी का है। और इसके बाद है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का। इसके बाद जो है अगला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन, ये प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है जो कि इस साल हटा दी गई, यानी कि इस साल ये नहीं आएगा। अगला है, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो ये आपकी जो है निर्देशांक ज्यामिति 7 प्रश्नावली का ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद है, रेखाखंड और 2 अनुपात रेख में, ये प्रश्नावली 11 का क्वेश्चन था जो कि आपके हटा दिया गया, रचना का क्वेश्चन है। इसके बाद है, 2 sin, ये वाला भी आपके जो है हटा दिया गया है, या आप यहाँ पर इसकी जगह जो है, जैसे मान लो साइन π/60 लिखा हुआ है, π/60 का मतलब 6 का मतलब होता है कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, कौन सा 30 डिग्री का कोण, वैसे ही π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री का कोण, तो इस तरह से आपका ये पूछा जाएगा, तो ये भी सिलेबस में है, इसको भी आप करें। इसके बाद एक का समांतर माध्य 9 है तो x का मान, ये भी आपके सिलेबस में है, सांख्यिकी की प्रश्नावली का क्वेश्चन है। इसके बाद है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आप करें। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है सिलेबस में है, इसको भी आप करें। इसके बाद भाग समय है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है और थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद है, 15 प्रश्नावली प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये सिलेबस में है आपके।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है उस त्रिभुज की रचना कीजिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद है कल्पित माध्य की सहायता से जो है माध्य ज्ञात करना, ये आपके सिलेबस में है। ये 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है यहाँ से किन्हीं दो को सिद्ध कीजिए, ये आपके सिलेबस में है। ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ये दो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो है नवी प्रश्नावली का है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि आपके सिलेबस में है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बंधु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है इसको आलेख विधि से सोल्व करना है, ये सिलेबस में आपके, इसको आप जरूर करें। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला आपके सिलेबस में है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात कीजिए, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आप करना। और इसके बाद जो है एक्स और वाई के मान, ये भी आपका सिलेबस में है, 14वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपका पेपर है, और इस पेपर को दिखाने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से आप जो है इनकी तैयारी करें। और इस साल जो है ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपके बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहेंगे। पैटर्न चेंज मतलब कि किस जो है वहाँ पर आबासदा वाले क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो, और खालिस्तान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और एक एक नंबर वाले, तीन तीन नंबर वाले और चार चार नंबर वाले, इस तरह से पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेंगे, यानी कि इस पेपर में से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इस वजह से इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएंगे, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी जो है आपको ये मिल जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर ये पिछले साल का पेपर है, तो पिछले साल का पेपर ये 12 जिले का है, हर जिले में अलग अलग पेपर होता है, तो 12 जिले के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, और आप इसको जरूर सोल्व करें, आपके इसमें से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी हमने आपको पूरी किताब के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने जो है आपको मॉडल पेपर दिलवाया है, पिछले साल का है ये, और इसमें अगर कोई दिक्कत आपको रहती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे।